हेलो एंड वेलकम टू विजुअल अकेडमी डेयर एक्सपेरेंट आज के लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेसर सोकोला ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट किताब है फेमस uh, शास्त्रा है डैट इज़ कॉल्ड शल्फा शास्त्रा इस बुक ने थ्री इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया को मैंशन किया हुआ है वन नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डैट इज़ फाउंड इन नॉर्थन इंडिया अनदर ड्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डैट इज़ फाउंड इन साउथ इंडिया एंड टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और वी कैन से मिक्स टेम्पल आर्किटेक्चर इट इज फाउंडिंग मिडल इंडिया और डेकन इंडिया एंड मोस्ट प्रोबली इन द कर्नाटक रीजन ठीक है अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन प्लस एकेडमी, वहां पर टेम्पल आर्किटेक्चर के सारे पी डी एफ प्रजेंट है ठीक है लेट स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है इसको हम कर्नाटक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल एज डकन टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं बिकॉज इट वॉज डेवलपड अंडर द रूल ऑफ चालुक्य डाइनास्टी जो चालुक्य डायनास्टी थी वो रूल करती थी साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में एज वेल एज इन द मिडल इंडिया डेट इज़ इन द डकन इंडिया और चालुक्य डाइनास्टी की कैपिटल थी एट बादामी कर्नाटक में जूरिंग सेवंथ सेंचुरी एडी अंडर द पेट्रोनिज ऑफ चालुक्य डाइनास्टी न्यू पैटर्न ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपड इन द मिडल इंडिया दैट इज कॉल्ड वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो थी वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की डैट वॉज इट इनकॉर्पोरेटेड हाइब्रिडाइज स्टाइल इन देयर टेम्पल ठीक है और जो और जो मिडल इंडिया में टेम्पल फाउंड किए जाते हैं उनमें फीचर्स ऑफ नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज फाउंड इन द नार्दर्न इंडिया एज वेल एज जो टेम्पल फाउंड किए जाते हैं साउथ इंडिया में डेट इज कॉल्ड द स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर दोनों के फीचर्स को वहाँ पर मिक्स करके एक हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल को बनाया गया था ठीक है इसीलिए हम इसको बोलते वेसर सकुल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ वेसर सकुल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर ठीक है हमने नॉर्दर्न इंडियन टेंपल्स में देखा था जो टेंपल का टावर होता है जिसको आप शिखर बोलते हो उसके वाल जो थे दे वायर कर्वड इन वर्डस डैट इज कर्वी लीनियर टावर ठीक है ना लेकिन जो विमान होता है टेम्पल टावर ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल्स इसके वाल जो थे दे वायर नॉट कर्वड इन वर्ड्स बट उसमें सेटअप लाइक स्ट्रक्चर थे जैसे आप इस टेम्पल टावर में देख रहे होंगे और जो चालुक्य डाइनास्टी थी उन्होंने नागरा स्टाइल से कर्वी लीनियर टावर यहाँ पर ऐड किया एंड ड्राइविडियन टेम्पल सेटअप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर एड किए हैं ठीक है ना इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आई होप थ्रू दिस इमेज आपको ये हाइब्रिडाइज स्टाइल समझ में आ गया होगा इन वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ज्यादा फोकस किया जाता था टेम्पल टावर पर जिसको हम विमान बोलते हैं एंड मंडप पर, अब यहां पर आप यहाँ पर जरूर कमेंट कीजिए आप बताइए उड़ैशे में मंडप को किस नाम से जानते हैं मैंने ये कल के लेक्चर में बताया हुआ है ठीक है देखिए जो सरकम एम्बुलेटरी पाथ या प्रदर्शन पाथ होती है मिडल इंडियन के टेम्पल्स में डक्कन इंडियन टेम्पल्स में इट इज़ ओपन इसका मतलब क्या है जो टेम्पल है उसके राउंड में जो पाथ होती है जिसमें लोग घूमते हैं राउंड द टेम्पल फॉर पूजा पर्पजेज उसको हम बोलते हैं सरगम पाथ और प्रदर्शन पाथ अगर हम नॉर्दन इंडियन टेम्पल्स की बात करेंगे या साउथ इंडियन टेम्पल्स की बात करेंगे जो ये प्रदर्शन पाथ होता है इट इज कवर्ड बाय आइदर ग्रिल और बाय वॉल्स ठीक है ना लेकिन अगर हम मिडल इंडियन टेम्पल्स की बात करेंगे जो ये प्रदर्शन पाथ होती है इट इज़ नॉट एनक्लोज आइदर बाय ग्रिल और बाय वॉल्स ठीक है इट इज़ ओपन मिडल इंडियन टेम्पल्स के जो पिलर्स होते हैं सीलिंग्स होती हैं एंड डोरवेज दे आर हाईली डेकोरेटेड विद कार्विंग्स, ओके okay? अगर आपसे एम पूछा जाएगा आप बताइए वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किस डायनास्टी के टाइम में डेवलप हुआ उसका राइट आंसर बनेगा चालुक्याज डायनास्टी या बादामी एंड कल्याणी बादामी एंड कल्याणी वायर टू कैपिटल्स ऑफ चालुक्या डायनास्टी ओके okay? देखिए देर आर अदर टू प्रामिनेंट डायनास्टीज जिन्होंने डेवलप किया था वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वन वॉज उन्होंने जो टेंपल बनाया था एट एलोरा जिसका नाम है कैलाशनाथ टेंपल इट शोज वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इसी तरह जो होसारा डायनास्टी है जिन्होंने टेंपल्स बनाए थे एट हेलबुदु एंड बेलूर में दे आल्सो शो हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और वी कैन से वेसर okay? स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर ओके अगर हमें नागर स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर का नॉर्दर्न टेम्पल का इन्फ्लुएंस देखना होगा वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पर हम इसको देख सकते हैं फ्रॉम द करवी लीनियर शेखर विद स्वयर बेस टावर डैट मीनस जो रेखा प्रसाद टावर है और वी कैन से लेडिना टाइप ऑफ टावर उसी को इनकारट किया गया है वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर में ठीक है लेकिन अगर हम ड्राइवडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुंस देखेंगे ऑन देशरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पर और मिडल इंडियन टेम्पल्स पर वी कैन सी इट फ्रॉम द स्टेपड और टेरेसिड विमान बिकॉज जो ड्राविडियन यानी कि साउथ इंडिया में जो टेम्पल फाउंड किए जाते हैं उनमें टेरेस्ड और स्टेपड विमान होता है पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर ठीक है वी कैन ऑल्सो सी दी इंफ्लुंस ऑफ ड्राइविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फ्रॉम द कार्विंग्स एंड स्क्रपचर्स टेकन फ्राम द साउथ इंडिया ठीक है दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आई होप ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी एंड ऑल्सो पुट फोर्थ योर वैलेबल कमेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो